हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है दोस्तों? आज हम जा रहे हैं, हमें मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, हम तो मॉल जा रहे हैं, हमें नहीं कुछ पता, हमें भी कुछ नहीं पता, ऐसे मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग करनी है सर को थोड़ी। ये इस व्लॉग को जरूर देखना, पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। हाँ, सब पता चलेगा। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, कहाँ पे बता दे क्या? वेगस आए हैं। वेगस है द्वारका, सेक्टर 14 है। तो ये आप लोगों को गेस करना है हम क्यों आए हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम देखो खोल के भाई, इंस्टाग्राम देख लेना खोल के, और ये वीडियो देख लोगे तो पता चल ही जाएगा, पूरा व्लॉग देखोगे तो। दे आगे बता, तू क्यों नहीं बना रहा आगे? ये है कि तू बना तो रहा है व्लॉग, नहीं आ रहा है। अच्छा, अरे हम लोग सेलिब्रिटी हैं यार, हम तो मॉल देखने आए हैं और क्या। हम सारी भीड़ है, हम किस लिए आए बताओ? पता नहीं, हम क्या है ना, लोग हमें देखने आए हैं सेलिब्रिटी के पेश में। आज हम चल चल ठीक है चल, कॉन्सर्ट में आया, कॉन्सर्ट में आज मैं बता दूं आपको, रणबीर कपूर आ रहा है, संजय दत्त आ रहा है, चेक कर लो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? Just a small announcement. Please make sure that you take care of your personal belongings. Your purse, your purses, anything which is personal to you, anything which is precious, keep take care of it. आप सबको मैं वापस से बता रही हूँ, अपने पर्स, अपने मोबाइल फोन, अपने किसी के कीमती सामान का ध्यान रखें। आपकी जिम्मेवारी है, आप ध्यान से रहिएगा, अपने सामानों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय। यार आप लोगों ने देख ली होगी, इतनी भीड़ जो है, रणबीर कपूर और वाणी कपूर मुकुल सांगला के लिए लगी हुई है। ये तो बहुत गलत था, यही सही है, ये बहुत लेट मूव नहीं हो रहा अबे, ये गिम्बल मोड है। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी जो है भाई कुछ। हाँ यार सही कह रहे थे, देख रहा कितनी धीरे धीरे चल रहा है, और मेरे को तो लग रहा है अभी कोई भी नहीं आने वाला, अभी तो कम से कम एक घंटा लगेगा, अभी सारे सिंगर भैया सबसे पहले क्या होता है, पहले आते हैं सिंगर वगैरह, मॉल बनाते हैं लोगों का। ये रणबीर कपूर आए, चार लोग आए आगे खाली, तो अच्छा लगेगा, इसलिए पहले मॉल बनाएंगे वो लोगों का कि भैया हम आ गए हैं, रणबीर कपूर आने वाला है। अभी तो किसी कमरे में बैठ के मस्त मस्त गपशप कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, क्योंकि क्या है ना, हमें सूत्रों से पता चला है कि संजय दत्त भी आ चुके हैं इधर, तो इसका मतलब चाय पानी तो चले गई, तो बस अभी वेट कर रहे हैं उनका ही, तो हमने सोचा थोड़ा अपना व्लॉग बना लें, नहीं तो फिर आपको उनको ही दिखाएंगे खाली हम लोग। और आपने देखो भीड़ कितनी, भीड़ इतनी गजब है कि हमारे पसीने पसीने हो रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये तीसरी जगह खाली क्यों है, क्योंकि आज हमारे गणेश मित्र नहीं आ पाए, उनकी ड्यूटी थी, जॉब थी उनको, और हम तो जॉब खत्म करके आए हैं, बहुत टाइम लगेगा अभी, ये जितने खड़े ना आज निराश होकर थोड़ी देर में चल जाएंगे, फिर हम खड़े होंगे आगे जाके, बोलेंगे अब आए हम बाजार। तो क्या बात करें आपसे, आप बताइए, कमेंट कीजिए कुछ लाइव वहम, अभी कमेंट करके बताइए हमें, यहाँ रणबीर कपूर आपको देखना है नहीं देखना है, पर क्या फायदा, हम तो दिखाएंगे क्योंकि हम आ गए हैं। यहाँ पे लोग रणबीर कपूर ज़्यादा महंग जी का कैमरा देख रहे हैं, उनको लग रहा है आगे भाई बड़े लोग हैं, उनको लग रहा है मिलियन का तो टच करा ही होगा इन्होंने। आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि जब भी आप कभी सुनो कोई सेलिब्रिटी आपको बोल रहा हो कि गाइस आप प्लीज़ आइए 6 बजे के स्टार्ट कर देंगे हम लोग, इसका मतलब है 6 बजे दूसरी छोटी मोटी परफॉर्मेंस वो शुरू करेंगे, 8 बजे तक वो स्टेज पे आएंगे, जब वो भीड़ इकट्ठा देख लेंगे तब आएंगे वो नीचे, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, एक तरह से पिक्चरें बनाते हैं, तो उनको भीड़ देखनी है, तो वो भीड़ के मतलब, तो अगर आपको 6 बजे का टाइम कोई सेलिब्रिटी दे रहा है या कुछ बोल रहा है तो आप समझ लो 8 बजे कम से कम आना आपको, तब आप उनको सीधा देख पाओगे, नहीं तो फिर टाइम पास करते रहो, देखो जो सब कर रहे हैं, देखो लोग आगे चिपक के खड़े होंगे भाई उसके बैरिकेड के, जैसे कि पता नहीं आधे घंटे में आके पहले उनसे हाय हेलो करेगा वो, देखो स्टेज पे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, अब ये नहीं पता कि कितनी देर में होगी। बेसिकली जब भी आप किसी ऐसी चीज जगह पे मतलब प्रमोशन में आओ तो उसका मतलब ये है कि आप एक फेस्टिवल में आ रहे हो, मतलब हर चीज़ देखने को मिलेगी आपको, गाने सिंगर आएंगे, बातें करने वाले, पोइट भी आ सकते हैं, जाकिर खान का भी कह रहे थे लोग आएगा पर पता नहीं, संजय लोग कह रहे हैं आया हुआ है, तो देखते हैं अगर जितना हो सके दिखाते हैं, बैटरी लो हो रही है, बैटरी चेंज करने के बाद ऑन करते हैं, ठीक है। Amazing people out here in Vegas Mall. मजा आ रहा है सबको Vegas में? I'm sure आ रहा है, सबका favorite mall है. And the best part is they're always
सो मेनी सेलिब्रिटीज आर कमिंग अप हियर फॉर योर एंटरटेनमेंट. और आज हमारे साथ कौन आ रहा है? द हार्टथ्रब ऑफ द नेशन. हु इज द हार्टथ्रब ऑफ द नेशन? रणवीर कपूर. यस, रणवीर कपूर इज जॉइनिंग अस विद संजू बाबा. सारी लड़कियों के दिलों की धड़कन है वो, है ना? सो ऑल द गर्ल्स, सब लोगों की शादी हो गई अपनी, अब आलिया तो हो गया. ओके, संजू बाबा के लिए मेक सम नॉइज़. वाणी कपूर के लिए मेक सम नॉइज़. वाणी अपनी दिल्ली की है, हमारी दिल्ली की लड़की, सो एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा शोर होना चाहिए उनके लिए. सो द एंटायर स्टार कास्ट ऑफ शमशेरा विल बी हियर सुपर डुपर सून. मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सब मिलकर शमशेरा का ट्रेलर देखिए सामने, सो दैट हम सब प्रिपेयर हो जाएं फॉर द बिग बिग रिलीज ऑफ द मूवी सुपर डुपर सून. बहुत जल्दी मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले लेट्स सी द ट्रेलर ऑन द स्क्रीन. पक्का मरेगा तू. तेरी माँ का मुकुट. थिएटर्स नियर यू, कौन कौन जाने वाला है देखने के लिए? इट्स गोइंग टू बी वन अमेजिंग मूवी, फुल ऑन लेजेंडरी. बट राइट नाउ वी हैव सम रियली फैंटास्टिक प्लान फॉर योर एंटरटेनमेंट. आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर वी हैव प्लान्ड समथिंग म्यूजिकल एंड मैजिकल फॉर यू. सो वेरी सून आवर बैंड इज गोइंग टू जॉइन अस ऑन द स्टेज. और यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारे गाने गाने वाले हैं वो लोग आप सभी के लिए. लाइव सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट सुपर डुपर सून. और कुछ ही देर में उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर शमशेरा की पूरी स्टार कास्ट, द एंटायर स्टार कास्ट ऑफ शमशेरा विल जॉइन. वाणी कपूर, रणवीर कपूर एंड हमारे संजू बाबा सब यहाँ पर आने वाले हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए. और यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है स्टेज पर और फैन मोमेंट्स भी होने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर दैट. लेट्स सी हु बिकम्स द लकी फैन. हाउ आर यू डूइंग? Let's do this. All right. Urvasi, take it easy. Urvasi, 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 तो उड़ गए निंदे रे और घन की पायल मस्ती में तो घन घन करके रे. I'm gonna make it.
सरप्राइज है ये सौ की सिंगल इंजन में यू सौ हर सी सरप्राइज ये है गिव इट अप फॉर सार्थक और वोकल्स बॉलीवुड म्यूजिक दी मेरा पार्टी कोई नहीं मैं गाना दी उना ते देख ओ चंगे जड़े चलते सी ओ किसे तो ना डर दे सी उना डर बड़ा हूं दिया गला हूं मुंडे Are you ready to meet Ranbir Kapoor? Yeah.
खुशखबरी सुनाओ भाई। देखो पहले मैं सुनाऊंगा, तीन घंटे वेट किया हमने, सबसे आगे पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट जान निकल गई। एक घंटा हम जान निकले में खड़े रहे, उसके बाद वो आए सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो वर्थ इट कभी मत आओ। वर्थ इट है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ग्लिम्स जो मैंने सामने से देखा ना, जिनको इतने टाइम से टीवी पे देख रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं, इतने टाइम बचपन से देखा है जिन्हें, वो सामने बिल्कुल दिखे ना तो भगवान की तरह लगते हैं। और उनके चेहरे पे जो ग्लो था, रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर इतनी खूबसूरत है, हमें नहीं पता था भाई सामने से देखा था इतनी खूबसूरत। अच्छा एक खुशखबरी मैं सुनाता हूँ, मेरी जेब के पीछे वाले सारे पैसे निकल गए। अच्छी बात है यार, क्योंकि मैंने कोई प्लेन देख, प्लेन भाई मैं बच्चा ही हूँ, दिल तो बच्चा ही। मैंने नहीं बोला ये, मैं ही प्लेन दिखता हूँ भाई। मैंने एक प्लेन देखा, वो प्लेन इतना प्लेन था कि मैं फिसल गया उससे। तो फ्रेंड्स बस अब हम घर जा रहे हैं इस समय, और कैमरे की मेमोरी हो गई फुल और हमारी मेमोरी होगी डाउन। हाँ इतना भीड़ भड़का था, मात्र 10 मिनट के लिए आए स्टेज पे और चले गए। 10 मिनट में 8 मिनट तो उसने आया किया बस, 1 मिनट उन्हें लगाया जाने के लिए, 1 मिनट आना 1 मिनट जाना, और 8 मिनट हेलो हाउ आर यू कैसे हो बस। लेकिन भाई कसम से कह रहा हूँ, सामने जब देखा पहली बार तो सब स्मार्ट थे यार मेरे, रणबीर कपूर बहुत स्लिम ट्रिम एकदम। चलो गाइस अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और थक गए हैं अब घर जाके एडिट करेंगे, जल्दी से वायरल वीडियो बनानी है भाई अपनी ब्लॉग को भी, क्योंकि 1 मिलियन करा दो यार जल्दी से, 1-2 मिलियन करा दो भाई मज़ा आ जाएगा। चलो गाइस ठीक है अभी फ़िलहाल चलते हैं, ओके बाय, ऐसे प्यार करते रहना, समाप्त।